गे लुसक का टेम्परेचर प्रेशर और लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम क्या है और इनकी क्या सिग्निफिकेंस है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भैया आज हमें क्या पढ़ना है बताओ? गे लुसक्स लॉज, ठीक है। मतलब ये एक लॉ नहीं है, इसके कई लॉ हैं भाई, ठीक है। तो इसमें पहला क्या बताओ भाई? तो गे लुसक के मैं आपको बताऊं, वास्तव में इनके तीन लॉज हैं। एक तो आपका होता है गे लुसक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, और एक क्या होता है गे लुसक्स टेम्परेचर प्रेशर लॉ, और एक टेम्परेचर वॉल्यूम लॉ भी होता है। क्या? टेम्परेचर वॉल्यूम लॉ, ठीक है। आपको फिर मैंने वो यहाँ पर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आपने चार्ल्स लॉ में आपने क्या देखा था कि अगर आप किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम क्या होती है? बढ़ती है ना। वॉल्यूम क्या थी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। तो वो जो लॉ था ना चार्ल्स का, वास्तव में मैंने आपको उसका एक मॉडिफाइड वर्जन मैंने आपको नहीं पढ़ाया था। तो शुरुआत में वो लॉ किसने दिया था? चार्ल्स ने। गे लुसक ने उसके बाद में क्या किया था? मॉडिफाई किया था। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं ऑलरेडी? गे लुसक्स, चार्ल्स गे लुसक लॉ बोल सकते हैं। तो उसको हमको यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गे लुसक का टेम्परेचर वॉल्यूम लॉ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। किसके नाम से? चार्ल्स के नाम से, क्योंकि शुरुआत में वो किसने दिया था? चार्ल्स ने। तो बच गए हमारे पास दो लॉज बच गए। एक तो कौन सा? गे लुसक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, और क्या होता है? गे लुसक्स लॉ ऑफ, गे लुसक्स टेम्परेचर प्रेशर लॉ। तो जो हमारे पास ये वाला लॉ होता है ना, पहले हम पढ़ते हैं। हालांकि मुझे इनको आपको बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने इनको ऑलरेडी आपको काफ़ी डिटेल्ड कहाँ पढ़ा रखा है, चैप्टर वन के अंदर नहीं पढ़ा रखा मैंने आपको भाई गे लुसक लॉ, ठीक है। तो फिर भी यहाँ पर उसको देख लेते हैं। अगर किसी रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है वो सारे के सारे क्या हैं? गैसियस स्टेट में। मतलब रिएक्टेंट भी क्या है? गैस। और जो क्या हमारे पास प्रोडक्ट वो भी क्या है? गैस। फॉर एग्जाम्पल N2, क्या अगर नाइट्रोजन गैस, अगर N2 गैस रिएक्ट करती है अमोनिया के साथ, क्या भाई? सॉरी, H2 के साथ, तो 3H2 यानी कि बोलो भाई। तो अगर, तो हमने ये देखा है, अगर मेरे पास 1 लीटर क्या है? N2, और 3 लीटर मेरे पास क्या है? H2 है। तो मेरे पास ना 2 लीटर मेरे पास क्या बनेगी? सेम कंडीशंस के ऊपर, अगर टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन क्या है? सेम है। तो हमने ये पाया कि N2 और 3H2, बताओ मेरे पास क्या बनेगा? 2NH3। तो अगर मैं इनको वॉल्यूम की तरह कंसीडर करूं, कंबाइनिंग वॉल्यूम होती है ये, तो इसकी वॉल्यूम क्या है? 1। इसकी वॉल्यूम क्या मान लिया? अगर 1 लीटर N2 है, 3 लीटर H2 है, तो 2 लीटर क्या बनेगा? अमोनिया। तो इनमें जो रेशियो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में, ये सिंपल रेशियो है कि फ्रैक्शनल वाला रेशियो है? सिंपल रेशियो नहीं है, सिंपल मल्टीपल रेशियो। बताओ क्या है? 1:3:2। और हमेशा ऐसा ही होता है। अगर कोई फ्रैक्शन का रेशियो भी होगा ना, कोई फ्रैक्शन में रेशियो है भी, तो उसको सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर क्या बन जाएगा हमारे पास? मतलब से वो सिंपल रेशियो मिलेगा आपको। आपको कैसे? कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर आप वाटर बनाते हो, क्या बनाते हो? वाटर। वहां बताओ क्या होता है हमारे पास? हम कहें कि H2 + 1/2 O2, बताओ क्या बन गया हमारे पास? H2 बन गया ना। अगर ये वेपर फॉर्म में बना है तो 1 लीटर ये है, आधा लीटर ये है, तो क्या बन गया मेरे पास? 1 लीटर आपको हो गए। यहाँ पर तो सिंपल रेशियो नहीं है, यहाँ भी सिंपल रेशियो है। कैसे? बताइए भाई, यहाँ बताओ क्या है? 1:0.5:1, इस सारे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल रेशियो 2 है, 2:1:2 नहीं है क्या? तो सारे क्या मिलेंगे आपको? ये हमेशा सिंपल रेशियो, इजंट इट? तो ये होता है गे लुसक्स का भाई, गे लुसक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। या फिर मान लिया हम क्या बोलते हैं, HCl। अगर मेरे पास हाइड्रोजन गैस है, एक मोल मेरे पास क्या? H2। एक मोल मेरे पास क्या बताओ भाई? Cl2। तो मेरे पास 2 मोल क्या बन गए? HCl गैस। यहां बताओ रेशियो क्या है इनका? 1 लीटर 1 लीटर 2 लीटर, तो 1:1:2। तो ये रेशियो क्या बन रहे हैं? बिल्कुल सिंपल रेशियो नहीं बन रहे हैं। कैसे बना है? 1:1:1.382, नहीं,
क्या है? सिंपल रेशियो। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। इसका आपको आगे इस्तेमाल करना पड़े, ध्यान रखियो। ओके, अब दूसरा बताओ क्या है इसका, गे लुसक का सेकेंड लॉ बताओ कौन सा हमारे पास, क्या गे लुसक टेम्परेचर प्रेशर लॉ। देखो जो चार्ल्स लॉ था ना, बिल्कुल उसी की तरह क्या कहता है ये। तो गे लुसक, पहले हम आपको इसके पढ़ाएंगे स्टेटमेंट, गे लुसक के टेम्परेचर प्रेशर लॉ की स्टेटमेंट क्या है, उसके बाद हम इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखेंगे, फिर इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, ठीक है, और फिर हम इसकी भाई सिग्निफिकेंस चेक कर लेंगे, इसकी हम इंपॉर्टेंस चेक कर लेंगे। ओके, नहीं समझे बात? तो सबसे पहले आप बताओ भाई कि इसका हमारे पास, अच्छा चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम क्या थी, सॉरी चार्ल्स लॉ में प्रेशर क्या था, आपने एक बात देखी थी, अगर किसी गैस का प्रेशर में क्या रखता हूँ कॉन्स्टेंट, और क्या करता हूँ टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, तो वॉल्यूम बढ़ती है ना, इजंट इट। तो ये लॉ ये कहता है अगर वॉल्यूम क्या हो कॉन्स्टेंट और आप प्रेशर क्या करो, टेम्परेचर क्या करोगे बढ़ाओगे, तो प्रेशर क्या होगा इंक्रीज होएगा। और ये बिल्कुल वैसे ही है अगर, तो इसके दो स्टेटमेंट हैं, एक पहली स्टेटमेंट तो इसकी ये, एक स्टेटमेंट तो इसकी ये है कि अगर हमारे पास कोई गैस है 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, भाई हमारे पास कोई गैस है, ठीक है, ओके, और इस गैस का प्रेशर क्या मान लो आप 0 डिग्री सेल्सियस, बताओ भाई इसका पी नोट क्या मान लो इसका आप, प्रेशर मान लो। तो ये कहता है अगर आपने वॉल्यूम क्या रखी कांस्टेंट और आपने टेम्परेचर बढ़ाया 1 डिग्री सेल्सियस तो प्रेशर बढ़ेगा, और आपने टेम्परेचर घटाया 1 डिग्री सेल्सियस तो प्रेशर घटेगा। और ये बात हमको वैसे लॉजिकल भी लगती है, ऐसा होता क्यों होता होगा बताइए भाई, क्योंकि हमको पता है जो गैस के पार्टिकल होते हैं वो लगातार मूवमेंट में होते हैं, वो रैंडमली ऐसे ऐसे मूव करते रहते हैं। तो जब आप क्या करते हो और इसकी दीवारों पे प्रेशर कैसे एग्जर्ट होता है, जो पार्टिकल होते हैं गैस के ये कहाँ टक्कर मारते हैं, दीवारों पे टक्कर मारते हैं, तो प्रेशर एग्जर्ट होता है, नहीं समझे बात? अरे बोलो भाई, तो सिमिलर आर्गूमेंट यहाँ पर होता है। तो आप जब क्या करते हो, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आप एक तरह से इन पार्टिकल्स को एनर्जी सप्लाई नहीं कर देते क्या, इनको एनर्जी मिल जाएगी तो इनकी मूवमेंट क्या हो जाएगी, फास्टर हो जाएगी, तो खूब बड़ा बड़ा टक्कर मारें किसको, दीवारों को, तो प्रेशर क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। इसीलिए क्या होता है प्रेशर कुकर में जब आप उसको हीट करते हो तो प्रेशर क्या होता है बढ़ता नहीं, क्या काम करो उसमें पानी डाल के उसको गर्म करते जाओ, कुकर फट भी जाएगा, इजंट इट, ठंडा कर देंगे तो क्या हो जाएगा फिर प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये कहता है अगर मान लिया 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर कितना हमारे पास पी नोट, वहां पर वी नोट था ना भाई, यहां पर क्या मान लो आप पी नोट प्रेशर है 0 डिग्री सेल्सियस पे कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे। तो अगर आपने क्या किया बताओ, 1 डिग्री आपने क्या बढ़ाया टेम्परेचर, तो इस इनिशियल प्रेशर का नहीं है, प्रेशर बढ़ जाएगा 273वां हिस्सा बढ़ जाएगा हर डिग्री सेल्सियस के लिए, जैसे 400 था ना एग्जैक्टली सेम है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने क्या हो जाएगा प्रेशर 273वां हिस्सा बढ़ जाएगा, इनिशियल प्रेशर क्या है पी नोट, तो 1 डिग्री बढ़ाने पर अगर इनिशियल प्रेशर पी नोट है तो क्या हो जाएगा बताओ, पी नोट बटे 273, इसका 273वां हिस्सा बढ़ जाएगा या घट जाएगा, डिपेंड करता है आपने प्रेशर को बढ़ाया है या घटाया, इजंट इट, ठीक है। तो ये होता भाई आपका ये, तो 1 डिग्री के लिए तो कितना बढ़ता है, 1 डिग्री के लिए प्रेशर कितना बढ़ता है पी बटा 273 बढ़ता है, और मैंने टी डिग्री बढ़ाया तो इंटू टी कर दूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास, तो पी इंटू वहां पर वी इंटू वी, ये था ये हमारे पास क्या है पी प्रेशर टी टेम्परेचर पर प्रेशर, अंतर क्या था वहां पर मेरे पास क्या था चार्ल्स लॉ, मेरे पास क्या था वॉल्यूम था, यहां पर बस प्रेशर और कोई अंतर नहीं है। हाँ बेटा, कुछ समझ में आपको उपकार, वेरी गुड, ठीक है। तो ये आपका हो गया वही पहली स्टेटमेंट, तो आपकी ये होगी। अब दूसरी स्टेटमेंट क्या थी कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट पावर ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट पावर ऑफ टेम्परेचर होता ना, तो उसको मैं कैसे प्रूव कर सकता हूँ, इसमें से आप प्रेशर कॉमन निकाल लो, तो पी टी बताओ मेरे पास क्या जाएगा क्या, तो पी नॉट हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस क्या आ जाएगा मेरे पास
बोलो भाई, टी अपॉन 273 आ गया। अब अगर मैं यहां पर एलसीएम लेता हूं तो नीचे एलसीएम आ जाएगा ना, और यहां क्या आ जाएगा 273 है ना एलसीएम लेने पर। अब बताओ टी प्लस 273 क्या होता है? ये टी तो क्या है, स्मॉल टी है डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर, कैपिटल टी होता है केल्विन वाला टेम्परेचर आमतौर पर, बात आपको पहले पड़ेगी। तो सेल्सियस वाला टेम्परेचर प्लस 273 क्या होता है, केल्विन वाला टेम्परेचर, यानी कि कैपिटल टी, कैपिटल टी, वेरी गुड। ठीक है, अब पी नॉट क्या है, कॉन्स्टेंट, और 273 भी क्या है, कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट बाई कॉन्स्टेंट क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता होगा कि नहीं होता होगा हमारे पास भाई। तो इसको मैंने क्या बोल दिया बताओ, के डैश, क्या बोल दिया। तो आपको साफ दिख रहा है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट पावर ऑफ टेम्परेचर, यानी अगर आपने क्या किया, टेम्परेचर डबल किया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डबल। अगर आपने बताओ टेम्परेचर क्या किया, अगर आपने बताओ क्या किया, पहले तो ये आपको आगे नहीं है भाई, अगर आपने बताओ क्या डबल किया, टेम्परेचर डबल किया तो क्या हो जाएगा, प्रेशर डबल हो जाएगा, और टेम्परेचर हाफ किया तो प्रेशर हाफ हो जाएगा। सिंपल बात है, आसान है, मुश्किल है? इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि पी वाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी वाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो स्टेटमेंट आपको पल्ले पड़ेगी दोनों की, तो दोनों स्टेटमेंट आपको इसकी पल्ले पड़ी कि नहीं पल्ले पड़ी। मैं सच्ची बात तो ये है भाई, चार सा हैं जो उसमें से भी को हटा के क्या लिख दो, पी, एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल समझे बात, एग्जैक्टली क्या है, सेम। वहां पर क्या थी, प्रेशर कॉन्स्टेंट हुआ करता, टेम्परेचर का वॉल्यूम, टेम्परेचर का इफेक्ट था वॉल्यूम के ऊपर, यहाँ पर वॉल्यूम क्या रखनी है, कॉन्स्टेंट। तो टेम्परेचर के साथ क्या बढ़ेगा, प्रेशर, इजंट इट। ठीक है, अब बताओ क्या इसका, क्या पढ़ना इसका भाई, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। तो आपने टेम्परेचर बढ़ाना और क्या करना, आपने प्रेशर, आपने समझे बात। तो आप एक काम करोगे, प्रेशर आप नोट करना ना, मैं यहाँ पर क्या करना आपने, तो इसके अंदर आप एक थर्मामीटर लगा दो ताकि इसका हम टेम्परेचर नोट कर सके, इजंट इट। फिर आपने क्या करना बताओ, बोलो भाई। तो एक बार इसका प्रेशर किस पे नोट कर लियो, बोलो भाई। तो यहां बताओ हमारे पास क्या मिल जाएगी हमको, एक बार इसका बताओ कैसे नोट कर लो, बताओ भाई इसका प्रेशर, इसमें बल्कि आप इसमें एक प्रेशर गोज लगा दो, इसमें क्या लगा दो, प्रेशर गोज लगा दो, ठीक है। और यहां क्या लगा दो, एक थर्मामीटर भी। फिर बाकायदा देखो, मान लिया आपने यहां पर टेम्परेचर हमारे पास यहां पर 200 केल्विन, तो प्रेशर की हमारे पास रीडिंग आएगी ना, आएगी। मान लिया प्रेशर आ गया मेरे पास पी, मान लिया प्रेशर मेरे पास आ गया एक, आ गया कितना आ गया, मान लिया पांच आ गया प्रेशर, कितना आ गया। अब इसको 400 केल्विन कर दो, पता हो वहां रीडिंग क्या हो जाएगी, जब थर्मोमीटर में रीडिंग 200 से क्या हो जाएगी, 400, तो प्रेशर में रीडिंग, प्रेशर गोज में रीडिंग क्या हो जाएगी, 10 से क्या हो जाएगी, 20। ये 200 से क्या हो गया, 400, तो वहां क्या हो जाएगा, यानी ये डबल हुआ तो भी क्या हो गया, डबल। ये ट्रिपल हुआ तो क्या हो जाएगा, ये ट्रिपल। और ये आपने देखा भी भाई, प्रेशर कुकर को जब आप गर्म करते हो तो टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है, और वो एक पावर से बढ़ता है। अगर टेम्परेचर डबल करने पर प्रेशर क्या होता, 4 गुना होता मान लिया, तो हम क्या लिखते, टी की पावर 2 है ना, ताकि टी को 2t लिखने पर नया फैक्टर 4 आता, समझ गई बात। लेकिन डबल करने पर डबल होता है, ट्रिपल करने पर, तो दिमाग में रखियो बात ये, ठीक है। आइडियल गैस जैसे भी बिहेव करती, आसान है मुश्किल है, तो एक्सपेरिमेंटली आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो। अब हम बात करते हैं थोड़ा बहुत उसकी, इसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। तो यहाँ पर भाई इसके दोनों जो फंक्शन, एक तो हमने क्या करना है, एक तो हमने ग्राफिकल एनालिसिस करना है डिग्री सेल्सियस वाले पोर्शन का, डिग्री सेल्सियस वाले फॉर्मूले का, और एक केल्विन वाले फॉर्मूले का अपने ग्राफिकल एनालिसिस करना है। तो पहले बताओ हम किसका एनालिसिस करते हैं, डिग्री सेल्सियस वाले फॉर्मूले का, क्योंकि पहले हमको वही हासिल करना होता है, इजंट इट। तो डिग्री सेल्सियस वाला फॉर्मूला बताओ क्या था हमारे पास, ये कहता है प्रेशर एट टेम्परेचर टी, प्रेशर एट टेम्परेचर टी क्या होगा, पी नॉट प्लस
पी नॉट बटे 273 एक डिग्री सेल्सियस पे इतना बढ़ता है तो टी पे बढ़ेगा इंटू टी, आगे ना ये ठीक है। तो क्या ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है? बिल्कुल भाई, मैं इसको बाद में लिख दूं तो क्या दिक्कत है, मैं इसको ऐसे लिख दूं P इज इक्वल टू पी नोट इन टू टी बाई 273 प्लस में क्या हो गया P नोट, तो Y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देगा, y की वैल्यू ऐसे चली गई, ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा ना, सीधी रेखा आएगी, 10वीं क्लास में आपने ड्रॉ किया था 10th क्लास में। तो सिमिलरली आप यहां पर बताओ, अगर y पे मैं क्या लेता हूं प्रेशर, x पे मैं क्या लेता हूं टेम्परेचर, तो मेरे पास स्लोप क्या आएगा P नॉट बाई 273 और इंटरसेप्ट क्या आएगा P नॉट, तो ये आएगा मेरे पास इंटरसेप्ट किस पे, तो यहां बताओ मेरे पास क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, यहां पर क्या है प्लस की डिग्री, यहां पर क्या है मेरे पास, वहां मेरे पास प्लस की डिग्री है, यहां मेरे पास माइनस की डिग्री है। ओके तो क्या बोलेंगे इसको, कैसा ग्राफ आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन, इंटरसेप्ट कैसा आएगा, मैंने क्या किया है, मैंने ये मानो भाई मैंने 20 डिग्री सेल्सियस पे क्या नोट कर लिया प्रेशर, कोई गैस है, किसी गैस की पर्टिकुलर वॉल्यूम है, मैंने 20 डिग्री सेल्सियस पे क्या नोट कर लिया प्रेशर, 30 पे नोट कर लिया, 40 पे नोट कर लिया, 50 पे नोट कर लिया, 60 पे नोट कर लिया, मैंने 5 अलग अलग टेम्परेचर पे क्या नोट कर लिया प्रेशर नोट कर लिया, मेरे पास एक टेबल नहीं बन जाएगी कि ये तो क्या है टेम्परेचर और यहाँ क्या बरें, बल्कि हॉरिजॉन्टली आप हॉरिजॉन्टल लिखते हो ना 10वीं क्लास में, ये कॉलम ये रो तो किसकी है टेम्परेचर की, ये रो किसकी है प्रेशर की, डेटा सेट नहीं आपके पास, ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, ये ऐसे आएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 इनको मिला दिया मैंने। अब इस पॉइंट की हाइट में से इसकी हाइट घटा दो और इसके वाई कोऑर्डिनेट में से इसका वाई कोऑर्डिनेट घटा दो, इसके एक्स कोऑर्डिनेट में से इसका उनको भाग कर दो आपस में, स्लोप आ जाएगा, वो किसके बराबर आएगा बताओ, पी नोट बाई 273 आ जाएगा, और इंटरसेप्ट क्या आएगा मेरे पास इसके ऊपर बताओ भाई, है मेरे पास क्या जाएगा इसका इंटरसेप्ट आ जाएगा, इजंट इट, अरे बोलो भाई अपन पास क्या जाएगा इसका इंटरसेप्ट आ जाएगा, आसान है कि मुश्किल है, यह इट क्या होगी पी नोट होगी। अच्छा मैं ये पूछूं आपसे कि चलो ठीक है भाई ये जो इंटरसेप्ट है ये तो वाई कोऑर्डिनेट पे होता है, कहां पर होता है, तो लेकिन इसको मैं और एक्सट्रापोलेट करूं, इसको और फर्दर पीछे खींच दूं, बोलो भाई स्केल लगा के, तो ये और पीछे तक ये कहां पर काटेगा बताइए, कैसे पता लगा, क्योंकि भाई इस हाइट पे प्रेशर क्या हो जाएगा, जब ये लाइन नीचे आ रही है तो प्रेशर घट रहा होगा, पॉइंट की हाइट तो क्या बताएगी, इस लाइन के ऊपर पॉइंट की हाइट तो क्या बताती है प्रेशर, और पॉइंट की हॉरिजॉन्टल विड्थ क्या बताती है टेम्परेचर, वही तो होता होगा, तो यहां पर जब ये लाइन खींचती यहां पर आ जाएगी तो इस पॉइंट की हाइट क्या हो जाएगी जीरो, तो प्रेशर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो अगर ये प्रेशर क्या हो गया जीरो, इजंट इट, तो क्या जाएगा मेरे पास, इसको आप इस साइड फेंक दोगे ना क्या जाएगा माइनस, अरे भाई एक जीरो हो गया, तो पी नॉट इंटू टी बाई 273 इज इक्वल टू माइनस पी नॉट, पी नॉट से पी नॉट कैंसिल हो जाएगा, उस हट जाएगा क्या माइनस 273 है ना, यानी मिनिमम प्रेशर, तो ये एक तरह से प्रेशर क्या हो जाएगा जीरो, और हमको पता किसी गैस का प्रेशर जीरो पॉसिबल नहीं होता भाई, नहीं समझे बात, यानी कि मिनिमम टेम्परेचर अटेनेबल कौन सा होता है दोस्तों, यहां से भी वही बात प्रूव होती है कि मिनिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अटेंड इज -273 डिग्री सेल्सियस, इससे कम ठंड आप किस चीज को नहीं कर सकते, तो इससे हमारे पास क्या बन गई, भी क्या बन गई, एक टेम्परेचर स्केल बन गई, मिटा दे इसको, आसान है मुश्किल है, तो ग्राफिकल एनालिसिस आ गया, तो यहां पर तो ये हाइट तो क्या होगी पी नोट, और यहां ये पॉइंट क्या होगा -273, आप वैसे ही मालूम कर सकते हो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट, इसे क्या बना लियो डिपेंडेंट वेरिएबल, और इन्हें क्या बना लियो इंडिपेंडेंट, इन्हें क्या बना लियो, इसमें आप टी के अलावा हर चीज साइड फेंक दो, तो भी आपको टी पे क्या पता लग जाएगा इंटरसेप्ट, जो मैंने आपको तरीका बताया था, आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो इतना अच्छे से, यहां भर रहे हो तो मुझे लग रहा है भाई कि झूठ बोल रहे बच्चे, इतना समझ में लगे आपको प्रत्यक्ष। अच्छा ये वाला क्या इंटरसेप्ट आपको,
तो इसके ऊपर इंटरसेप्ट हम कैसे मालूम करेंगे? इसको मैं फर्दर एक्सट्रापोलेट करूंगा तो ये पता लग गया आपको, क्योंकि इस जब ये मुझे पता है इस इंटरसेप्ट पे प्रेशर कितना हो जाएगा, जीरो, तो प्रेशर मैंने जीरो पुट कर दिया, ऐसे तो हो जाएगा आपके पास। हाँ, लेकिन एक और भी तरीका होता है टेम्परेचर स्केल पे, टेम्परेचर स्केल पे इंटरसेप्ट मालूम करने का एक तरीका और भी होता है। टेम्परेचर को आप क्या बना लो, डिपेंडेंट वेरिएबल, क्या बना लो, फिलहाल डिपेंडेंट कौन है, प्रेशर, क्योंकि वैल्यू आप मर्जी की टी पुट करते हो, प्रेशर तो अपने आप होता है। तो एक काम करो, इनको ही साइड फेंक दो, इसको ही साइड फेंक दो, क्या हो जाएगा मेरे पास ये पी माइनस है, तो पी नोट बाई 273 टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी माइनस पी नोट आ जाएगा ना। अब पी नोट बाई 273 साइड फेंक दो तो क्या हो जाएगा, 273 बाई पी नोट, और 273 बाई पी नोट, पी नोट से पी नोट कैंसिल नहीं आपको। तो अब बताओ अब डिपेंडेंट कौन बन गया, टेम्परेचर, और इंडिपेंडेंट कौन बन गया, प्रेशर। अब स्लोप क्या आएगा, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या है, माइनस 273 आ गया ना यहां से भी। ये टेक्निक होती है पता करने की, भाई जिस पे भी क्या पता करना हो आपको इंटरसेप्ट, उसे क्या बनाते होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। इस तरह की एडवांस्ड बात आपसे मेल में नहीं पूछेंगे, ये ऐसी बात पूछेंगे आप एडवांस में, एडवांस्ड में कि पूछे बताओ भाई टेम्परेचर वर्सेस डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है, ओरिजिनल क्या है, प्रेशर है, नहीं समझे बात, तो स्लोप क्या आएगा, इंटरसेप्ट क्या आएगा, नहीं आपको ये आसान है कि मुश्किल है, पक्का पले पड़ गया, ठीक है, वेरी गुड। या तो आप ज़्यादा होशियार हो गए भाई या झूठे हो गए, होशियार हो गए तो फिर तो अच्छी बात है भाई, ओके, फिर तो मुझे लगा फिर तो हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब आप मुझे बताओ दूसरा कौन सा था हमारे पास, मेरे पास प्रेशर वाला फॉर्मूला क्या था, पी नोट प्लस पी नोट बाई 273 इंटू टी था ना, ओके, इसमें से पी नोट कॉमन निकाल लिया आपने, पी नोट कॉमन निकाल लिया तो 1 प्लस टी बाई 273 आ गया, इसमें एलसीएम ले लिया और ये पहुंच गया तो यहाँ पर। अब ये क्या होता है केल्विन वाला टेम्परेचर, तो पी इज इक्वल टू पी नोट केल्विन वाला टेम्परेचर बाई 273। अब पी नोट कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का भाग भी क्या होता है कॉन्स्टेंट, तो पी इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट इंटू टी, नहीं आपको कॉन्स्टेंट को चलो मैं क्या बोल देता हूँ, के बोल देता हूँ यहाँ पर, नहीं देखा क्या हुआ, कॉन्स्टेंट मैंने के बोल दिया, प्लस में सी कर दो। स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला तो ऐसा होना चाहिए कि आपको सपने में भी नजर आ जाए ना, उसका आप ग्राफ प्लॉट कर सको। स्ट्रेट लाइन तो इतना ज्यादा फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होता है भाई, समझे बात, मिटा दो इसको, तो पहचान नहीं हो इसको, क्या ये स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला है, पंचो बताएगी कैसे, बताइयो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पर m भी कॉन्स्टेंट और c भी कॉन्स्टेंट होता है, और ये क्या होते हैं वेरिएबल, x की वैल्यू पुट करते गए y की वैल्यू आती गई, स्ट्रेट लाइन आएगा ना, m स्लोप c इंटरसेप्ट, तो यहां पर y के पे कौन ले, y पे कौन ले, प्रेशर, x पे कौन ले, y पे प्रेशर ले, x पे कौन ले, टेम्परेचर ले ले, ठीक है बात। तो क्या जाएगा मेरे पास, स्लोप तो क्या आएगा, कॉन्स्टेंट आएगा, और इंटरसेप्ट क्या आएगा, जीरो। तो हे पार्थ, अगर यहां पर हमने क्या लिया है बताओ, यहां पर हमने क्या लिया है टी, वर्टिकली हमने क्या लिया है, यहां पर हमने टी लिया है, वर्टिकली हमने प्रेशर लिया है, ठीक है, यहां हमने भाई बताओ क्या लिया, ये अरे हमने क्या ले दिया, प्रेशर, ओरिजिनल में क्या ले दिया, टेम्परेचर, तो कैसे स्लोप आएगा, तो स्लोप आएगा ना, कि स्ट्रेट लाइन आएगा भाई, स्लोप आएगा नॉन जीरो आएगा, स्लोप नॉन जीरो मतलब क्या है, चढ़ता स्लोप, नहीं आपको, और इंटरसेप्ट क्या आएगा, जीरो, तो इस टाइप के स्लोप आएंगे आपके पास।
तो सबका इंटरसेप्ट कितना है? जीरो। सबका इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास? जीरो है। ठीक है, तो इनको पता क्या बोलते हैं बताओ? अरे बोलो भाई, स्ट्रेट लाइन करो है हमारे पास, इजंट इट? ठीक है। अच्छा ये बताओ, मैं आपसे पूछूं, ये चार वॉल्यूम है बताओ, तो कौन कौन सी? V1, V2, V3 और V4, इनमें हाईएस्ट वाला कौन सा है? मतलब मैं प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर कर्व लेता हूं, क्या करता हूं मैं? प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर कर्व लेता हूं, लेकिन एक बारी थोड़ी वॉल्यूम के, एक बारी ज्यादा वॉल्यूम के, एक बारी और भी ज्यादा वॉल्यूम के। ओके, तो आपको बताना है इसमें से सबसे ज्यादा वाला कौन सा है? क्या ज्यादा होना चाहिए वॉल्यूम? जो ज्यादा कौन सी वॉल्यूम? अरे भाई ये आई, इस पे तो, ये तो हाइट तो प्रेशर और टेम्परेचर है, समझे बात? मैंने क्या किया है, टेम्परेचर बढ़ाया और क्या नोट किया है? प्रेशर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी क्या होगा? आप आगे जाओगे तो अरे बेटे इस साइड जाने, मतलब क्या है, टी बढ़ता है तो प्रेशर भी क्या होता है? थोड़े टेम्परेचर पे ये प्रेशर, और बढ़ा दिया और बढ़ गया, और बढ़ा दिया और बढ़ गया, टेम्परेचर और बढ़ा दिया, नहीं समझे बात? तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर भी क्या हो रहा है? क्या इन पॉइंट्स की हाइट, क्या इन पॉइंट्स की विड्थ नहीं बढ़ रही क्या? मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या इन पॉइंट्स की हाइट नहीं बढ़ रही क्या? इन प्रेशर भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो आपसे ये पूछ ले कि भाई एक तो मेरे पास क्या है, टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर कर्व है 5 लीटर का, और एक मेरे पास 20 लीटर का, क्या मतलब मैंने सेम टेम्परेचर बढ़ाया है और क्या नोट किया है? इंक्रीज इन प्रेशर। एक तो 5 लीटर गैस का और एक 25 लीटर का है, तो बताओ सबसे ऊपर कर्व किसका होगा? क्या सबसे ज्यादा स्लोप किसमें आएगा? 25 वाले में, मेरे को पांच वाले में आएगा भाई, सबसे ज्यादा स्लोप, सबसे खड़ी चढ़ाई इसमें नहीं है V1 में, इसमें स्लोप क्या हल्का नहीं है, स्लोप मतलब ढलान। और ये बात लॉजिकल भी हमको लगती है, ये बात हमको लॉजिकल भी लगती है। आप एक काम करें, आप सेम टेम्परेचर लें, क्या लें आप? अब चार वॉल्यूम मेरे पास, चार क्या है वॉल्यूम है, अगर मैंने उनका सेम क्या कर रखा है, टेम्परेचर, बोलो भाई क्या इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का सेम टेम्परेचर नहीं क्या होगा? ना सेम टेम्परेचर, मैंने एक ओरिजिनल कट मार दिया तो सेम टेम्परेचर होगा सबका। तो आप मुझे बताओ, अगर सेम टेम्परेचर पर ज्यादा गैस, क्या सेम टेम्परेचर पे ज्यादा गैस, मतलब अमाउंट बराबर है सिर्फ वॉल्यूम, सेम टेम्परेचर पे अगर ज्यादा गैस होगी वो ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगी कि कम वॉल्यूम? सेम टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या है भाई? सेम है, तो कम वॉल्यूम उसी टेम्परेचर पे, एक तो मैं गैस को 5 लीटर में घोट के रखूं, एक तो मैं उसी टेम्परेचर पे गैस को 5 लीटर में घोट के रख रहा हूं, और एक थोड़ा मैंने उसको 20 लीटर जगह दे रखी रहने के लिए, तो दीवारों पे प्रेशर कब बनेगा ज्यादा? क्यों भाई? उस सेम टेम्परेचर सबका, एक तो गैस को 5 लीटर में कह रहे हो यहां पर रहे, तो वो जबरदस्त क्या करेगी? आप एक स्प्रिंग को भी अगर पुश करने ट्राई करते हो तो वो ज्यादा पुश करता है, नहीं मैं तो आपको पले पड़ी। इसीलिए सेम टेम्परेचर पर क्या सबसे थोड़ी वॉल्यूम जो होगी वो सबसे ज्यादा क्या देगी? प्रेशर, समझे बात? तो सबसे ऊपर कर्व किसका होगा? तो प्रेशर टेम्परेचर कर्व में सबसे ऊपर कौन सा होगा? थोड़ी वॉल्यूम वाला, ज्यादा वॉल्यूम वाला। बस सिंपल सी बात है, यहां पर मैंने सेम टेम्परेचर है, एक तो सेम टेम्परेचर पे बताओ मैं क्या रखूं, एक तो 5 लीटर गैस है, मतलब अमाउंट गैस के बराबर है, उसके मोल बराबर गैस के, गैस की अमाउंट क्या है?
बराबर है, लेकिन एक तो मैं 300 केल्विन पे 5 लीटर गैस रखूं, बोलो भाई, एक उसी गैस को मैं 20 लीटर कर दूं, तो 20 लीटर होने पर गैस का जो दबाव होगा वो कम नहीं हो जाएगा दीवारों पर? अरे बोलो भाई, नहीं बता आपको पल्ले पड़ी, सिलेंडर में गैस का दबाव होता है ना, नहीं बता आपको पल्ले पड़ी, लेकिन अगर मान लिया वो सिलेंडर लीक होके और वो सारी गैस कहाँ भर जाए, एक बंद रसोई में भर जाए, किसमें भर जाए, रसोई एक कमरे में, एक बड़े कमरे में भर जाए, तो क्या भाई तो क्या भी दीवार पर उतना ही प्रेशर रहेगा, क्या कम आएगा ना? तो हमको पता है अगर वॉल्यूम कम होती है तो प्रेशर क्या आता है, ज्यादा वॉल्यूम ज्यादा होती है प्रेशर क्या होता है, तो सबसे ज्यादा प्रेशर किसका है, इस कारो में होगा ना, इस टेम्परेचर पे, तो इसकी वॉल्यूम क्या सबसे कम होनी चाहिए, तो V4 क्या ज्यादा, V3 कम, V2 कम, V1 सबसे कम। कुछ लॉजिक आपको पले पड़ रहा है, नहीं आया, गुड, ठीक है, मान लिया भाई। ओके, अब आप मुझे बताओ क्या 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 पढ़ना हमने इसकी, सिग्निफिकेंस क्या पढ़नी हमने इसकी भाई, इसका फायदा क्या क्या है, कौन सा बोल रहा था मैं, गेल उसको टेम्परेचर प्रेशर लॉ, ये था ना हमारे पास। तो इसमें आप मुझे एक बात बताओगे, आपने एक बात देखी कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसको हटाया तो क्या आ गया, सम कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर, तो पी बाई टी क्या आ गया, कांस्टेंट, इसका मतलब प्रेशर बढ़ाओगे, अगर टी बढ़ाओगे तो प्रेशर भी क्या होगा, मान लिया टी 2 है, प्रत्यक्ष टी 2 है, प्रेशर 6 है, तो रेशियो कितना है, ये 2 है ये 6 है, रेशियो कितना है, ये 2 है ये 6 है, तो 3 रेशियो है, टेम्परेचर आप क्या कर दो 4 कर दो, तो पता क्या हो जाएगा 12, ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे, ये बता दे इतना प्रेशर है, इतना टेम्परेचर है, टेम्परेचर ये कर दो प्रेशर क्या, 3 चीज नहीं मिलेंगी, एक आपको पूछनी है, ठीक है, और आपको पता है चार्ल्स लॉ और गेल लुईस लॉ, टेम्परेचर प्रेशर लॉ ये काम आते हैं, ये एक्ट करते हैं, आपको पता होगा ना, जब हम जब भाई टेम्परेचर बढ़ता तो गर्म हवा फैलती है, हवा फैलती नहीं क्या, एक्सपेंड नहीं होती क्या, और उसका अगर वो फैल ना पाए तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। देखो जब हम जब आपको पता होगा टायर में हवा होती है, गाड़ी के टायर में, तो हम उसमें और तो हवाएं भरते ना, लेकिन आपको पता होगा गर्मियों में गाड़ी के टायर फट जाते हैं, उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है, तो टेम्परेचर पर दोनों काम होते हैं, प्रेशर बढ़ता है और वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर प्रेशर बढ़ेगा भाई, क्योंकि टायर फिक्स तो मतलब फिक्स वॉल्यूम तो है नहीं, तो इसलिए क्या होगा, थोड़े टायर इन्फिनिट हो जाते हैं, हवा थोड़ी भी होगी ना, आपको लग रहा होगा हवा थोड़ी भी इतनी, लेकिन वो गाड़ी चलने लगेगी ना, तो टायर थोड़ा हाँ ठीक हो जाएगा बिल्कुल, उसकी वजह क्या, उसमें गैस क्या थी, थोड़ी एक्सपेंड होगी, एक्सपेंड भी होगी और टायर प्रेशर भी बढ़ गया, यानी दोनों लॉ एक साथ एक्टिव हो गए, टी बढ़ने से कुछ तो फायदा किसको मिल गया, वॉल्यूम बढ़ने को, कुछ फायदा किसको मिल गया, प्रेशर बढ़ने को, अगर लोहे के टायर होते तो वॉल्यूम तो बढ़ नहीं पाते, सिर्फ क्या बढ़ता, प्रेशर बढ़ता, नहीं है आपको, इसीलिए अगर मान लिया गाड़ी में ऑलरेडी बहुत हवा हो, टायर में बहुत हवा हो और गाड़ी हाईवे पर चल रही है बहुत देर तक, तो टायर बस्ट नहीं सकता क्या, टायर बस्ट क्यों होता, इसीलिए होता भाई वो, क्योंकि वो उसने प्रेशर को सहन, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर प्रेशर बढ़ जाएगा, इजंट इट, ठीक है, इसको पढ़ लो आराम से, ऐसे क्वेश्चन कर लो आराम से, ओके गुड। तो भाई इस लेक्चर में इतना है, अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, तो भाई ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।